ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपने 20 साल के जिंदगी को 20 दिनों में ख़त्म कर देता है। उसे ये याद ही नहीं था कि इस 20 सालों में उसके अच्छे दिन कौन से थे और बुरे दिन कौन। इस मूवी का नाम है क्लिक मूवी। कहानी की शुरुआत में हम माइकल को देखते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा पूरा और खुशहाल परिवार है। उसमें उसकी पत्नी डोरा और उसके दो बच्चे लड़का केविन और लड़की सेमेंटा है, जिनके लिए वो ट्री हाउस बना रहा होता है, और उसके साथ उसके माता पिता भी हैं। माइकल एक बहुत बड़ी कंपनी में आर्किटेक्ट है जो बहुत ही कामयाब है। इसी बीच माइकल अपने बच्चे के स्विमिंग कंपटीशन में भी नहीं आ पाता। वो तब आता है जब उसके बच्चे का कंपटीशन कंप्लीट हो जाता है, और कंपटीशन के बाद वो अपने फैमिली के साथ होकर भी बॉस से बात कर रहा होता है। अब माइकल को उसका बॉस बहुत ही खास जापानीज प्रोजेक्ट का ऑफर देता है, और माइकल अपने नाम और पैसों के लिए हाँ कर देता है। अब माइकल अपने घर पर है और वो इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में देख रहा है। इसी बीच वो अपने पत्नी डोरा से भी बात करता है। वो बोलता है कि इस प्रोजेक्ट के चलते शायद उसे ये ट्रिप कैंसिल करना पड़े, बट इससे डोरा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पिछले एक साल से डोरा के परिवार का हर सदस्य इस ट्रिप का प्लानिंग कर रहा था और हर चीज ऑर्गेनाइज थी, जैसे डांस, बच्चों के खिलौने, घूमना फिरना, सब कुछ। अब माइकल अपने काम में लग जाता है और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म को प्ले करने के लिए बटन दबाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे रिमोट रखे होते हैं, खिलौनों के, एसी के, टीवी के। तब वो गलती से हेलीकॉप्टर के रिमोट उठा लेता है, जो सीधा उसके सर पर जाके लगता है। इसीलिए वो बाहर यूनिवर्सल रिमोट लेने के लिए चला जाता है। यूनिवर्सल रिमोट वो चीज़ है जिससे हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कंट्रोल हो जाती है। माइकल स्टोर में पहुंचता है, जहां पे वो शॉपकीपर से यूनिवर्सल रिमोट मांगता है, लेकिन वो शॉपकीपर माइकल से दोस्ती करना चाहता था, बट माइकल इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, इसीलिए वो आगे निकल जाता है। और माइकल के सामने एक बेड दिखता है, तो वो उस पर आराम करने के लिए लेट जाता है, और थोड़े समय के बाद वो दूसरी तरफ देखता है तो उसे एक और शॉप दिखाई देती है, और वो उसके अंदर चले जाता है, जहां उसे एक मोटी नाम का आदमी मिलता है। माइकल उसे यूनिवर्सल रिमोट मांगता है, तो मोटी उसे बहुत बड़ी जगह पर लेकर जाता है, जहां पर बहुत सारे सामान रखे हुए थे, और एक खास जगह से मोटी माइकल को यूनिवर्सल रिमोट दे देता है। यहां पर मोटी माइकल को कहता है कि ये रिमोट सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद मोटी कहता है कि मैं इस रिमोट को तुम्हें दे तो रहा हूँ, पर मैं इसे कभी वापस नहीं लूँगा। अब माइकल को ये बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिमोट ही तो था, वो उसे वापस करने क्यों आएगा। उसके बाद माइकल रिमोट लेकर घर पर आ जाता है और अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म चालू करता है। इसी बीच उसकी पत्नी डोरा किसी बात पर माइकल से झगड़ा करने लगती है, एंड गलती से माइकल रिमोट का पॉज बटन दबा देता है, और माइकल नोटिस करता है कि डोरा सच में रुक चुकी है। अब वो जैसे ही दोबारा क्लिक करता है तो डोरा हरकत में आ जाती है, और इसके बाद वो अपने घर के बेसमेंट में जाके काम करने लगता है, जहां पर उसका कुत्ता आकर भौंकने लगता है, और वो कुत्ते की आवाज़ कम करने के बहाने से रिमोट का वॉल्यूम डाउन बटन दबा देता है, जिससे कुत्ते की आवाज़ कम हो जाती है। अब माइकल साइलेंट बटन दबाता है तो उसका कुत्ता साइलेंट हो जाता है। अब ये सब देखकर माइकल एकदम हैरान हो जाता है, और वो अपने कुत्ते को बाहर गार्डन में लेकर जाता है, और वो वहाँ भी फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाकर कुत्ते का काम जल्दी से ख़त्म कर लेता है। दूसरे दिन डोरा के फ्रेंड एनी आती है, और वो वहाँ पर माइकल रिमोट का यूज़ करके उसे म्यूट कर देता है। अब इसके बाद माइकल मोटी से मिलने जाता है। वहाँ पे माइक कहता है कि उस दिन मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया था, बट ये बात तो सच है। मोटी कहता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में रिमोट है, ये सच में एक यूनिवर्सल रिमोट है। इससे तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। वो माइकल को मेनू बटन दबाने के लिए कहता है। जैसे ही माइकल मेनू बटन दबाता है तो उसके ज़िंदगी के सारे मेन्यूज उसके सामने आ जाते हैं। माइकल यहाँ पे देखता है कि उसका जन्म कैसे हुआ। उसके बाद वो अपने बचपन को देखता है, जिसमें वो खुद बच्चों के साथ बेसबॉल खेल रहा है, और उसके मम्मी पापा उसके साथ बहुत ही खुश हैं। उसके पापा उसे एक क्वाइन का ट्रिक दिखा रहे होते हैं, जिसमें वो एक सिक्का अपने मुंह में डालकर गायब कर लेते हैं, और ये ट्रिक देखकर मोटी भी हैरान हो जाता है। वो माइकल से पूछता है ये इन्होंने कैसे किया। माइकल बताता है कि ये एक खास तरह का क्वाइन होता है, जो सिर्फ खाने के लिए ही बना होता है, जो कि मैजिक शॉप में मिलता था। माइकल बताता है कि वो अपने पापा के सामने हमेशा ही अनजान बनने का नाटक करता था। बाद में मोटी प्ले का बटन दबाने को कहता है,
और ये अभी के टाइम में आ जाते हैं। इसके बाद मॉर्टी अपने कार्ड माइकल को देता है ताकि माइकल को कुछ भी पूछना हो तो वो बात कर सके। अब यहाँ पे देखते हैं कि माइकल अपने ऑफिस में बॉस से मिलने जाता है। तभी बॉस बोलता है कि अगर तुम अपने होटल वाले प्रोजेक्ट पूरा कर लिए तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपने लिए नई नौकरी ढूंढ लो। तो इसीलिए वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाता है। और वहीं पे डोरा माइकल के मॉम डैड को खाने पे इनवाइट करना चाहती है, लेकिन माइकल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। पर मना करने के बावजूद भी डोरा डिनर का प्लान बना लेती है। इस समय वो इतना बिजी होता है कि डिनर और बाकी एक्टिविटीज़ को करने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो स्किप का बटन दबाकर डिनर और गेट टुगेदर जैसे जितने भी पल थे उन्हें स्किप कर देता है और अंत में अपने काम के जगह पर आ जाता है। अब रात को माइकल की वाइफ कहती है कि तुम अपने मॉम डैड से वादा किए थे तुम डैड के बर्थडे वाले दिन लंच पर इनवाइट करोगे और उन्हें सरप्राइज दोगे, लेकिन माइकल ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा उसने कब कहा। इसीलिए इसके बाद वो मॉर्टी को कॉल मिलाता है, और जैसे ही वो मॉर्टी को कॉल करता है मॉर्टी उसके दरवाजे पर ही खड़ा होता है। अब ये दोनों सड़क पर चलते हुए आपस में बातें करते हैं। मॉर्टी कहता है कि जब भी तुम फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाते हो तब तुम्हारी लाइफ ऑटो पायलट मोड में चली जाती है। इस ऑटो पायलट मोड में तुम अपना काम तो कर लेते हो पर बातें कम ही करते हो, और उसी में ही तुमने अपने पिता को लंच के लिए इनवाइट किया होगा। इसके बाद मॉर्टी यहाँ से चले जाता है, लेकिन अब यहाँ पे माइकल को जुकाम हो जाता है, इसीलिए वो टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करके अपने जुकाम को ठीक कर लेता है। अब दूसरे दिन माइकल की तबीयत ठीक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डोरा कहती है कि बाथरूम में गर्म पानी आ रही है सो उसे ठंडे पानी से ही नहाना होगा। बाद में वो फिर से फास्ट फॉरवर्ड करके नहा भी लेता है और अपने बाकी के सारे काम कर लेता है और डायरेक्ट ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाता है। वहाँ से वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, बट हमेशा की तरह ट्रैफिक में फंस जाता है, इसीलिए वो फिर से फास्ट फॉरवर्ड बटन का यूज़ करके जल्दी से अपने कंपनी में पहुँच जाता है। आज ऑफिस में माइकल के बॉस सेक्सुअल हैरेसमेंट पे स्पीच देता है और जॉन वहाँ पे अपने बॉस के अलग अलग तरीके से मजे लेता है। अब शाम को जैपनीज क्लाइंट के साथ माइकल और उसके बॉस की मीटिंग होती है, लेकिन उससे पहले जैपनीज ग्रुप साइड में जाके बात कर रहे होते हैं और माइकल रिमोट से वॉल्यूम हाई करके और लैंग्वेज सेट करके उनकी बातें सुन लेता है और उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार उनके प्रोजेक्ट में बदलाव करके डील फिक्स कर देता है। उस पर माइकल के बॉस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये माइकल ने किया कैसे। अब माइकल बहुत खुश है, उसे जैपनीज प्रोजेक्ट मिल चुका है, इसीलिए वो अपने घर आ जाता है जहां वो अपने बच्चों के लिए साइकिल और डोरा के लिए एक महंगी पर्स खरीद के लाया होता है और साथ में अपने लिए महंगी सिंगार खरीद के लाया हुआ होता है, और डोरा को ये खुशखबरी देता है कि जल्द ही उसका कंपनी में प्रमोशन होने वाला है। इस पर डोरा भी बहुत खुश होती है और अपनी और माइकल के पहली मुलाकात का गाना गाने के लिए कहती है, लेकिन इस पर माइकल बहुत कंफ्यूज हो जाता है और फिर से रिमोट का यूज़ करके पास्ट में आ जाता है जहां वो अपनी और डोरा के पहली मुलाकात को देखकर काफ़ी खुश होता है। अब वो वहां पे सॉन्ग सुनता है और वापस आकर डोरा को वही सॉन्ग सुनाता है जिसे सुनकर डोरा बहुत खुश होती है। अब दूसरे दिन माइकल जब अपने बॉस से मिलने जाता है तो उसका बॉस उसे कहता है कि तुम्हें कुछ और प्रोजेक्ट्स करने होंगे तभी तुम्हारा प्रमोशन होगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट्स को करने में तुम्हें 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो इस पर माइकल उससे कहता है कि वो प्रमोशन के खुशी में ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड से काफ़ी सारे शॉपिंग कर चुका है, लेकिन इससे जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इससे माइकल को बहुत गुस्सा आता है और टाइम को स्टॉप करके अपने बॉस को 3-4 खींच के मारता है। बाद में उसके बॉस का ये रिएक्शन था, वाह मेरा सर घूम रहा है, और फिर उसे नॉर्मल करके वहां से चला जाता है। इसके बाद वो मॉर्टी के पास जाता है। माइकल मॉर्टी से कहता है कि वो अपनी लाइफ को 3 महीने के लिए फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता है, पर मॉर्टी उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने से शायद वो बहुत कुछ मिस कर देगा। तो इस बार माइकल मान जाता है और इसके बाद वो अपने घर पर आ जाता है और अपने काम में लग जाता है। अब माइकल यहाँ पे काफ़ी परेशान होता है, इसीलिए वो अपने बच्चे को भी काफ़ी डांट देता है, जिसके बाद माइकल उस बात के लिए शर्मिंदा होता है। माइकल सुनता है कि डोरा अपने बच्चों को कह रही है कि तुम अपनी साइकिल रिटर्न कर दो अपने डैड को,
तो इस पर बच्चे रोते हैं और अपनी साइकिल नहीं देने को बोलते हैं। अब इस मोमेंट पर माइकल फैसला कर लेता है कि कुछ महीनों में क्या ही बिगड़ेगा, और इसीलिए वो अपने लाइफ को 3 महीने के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। अब वो सीधा अपने आप को ऑफिस के पार्टी में देखता है, जहाँ पे सब लोग उसको बधाइयाँ दे रहे हैं। एमआर भी उसे प्रमोशन के लिए बधाइयाँ देता है और अपनी गर्लफ्रेंड जेनी से मिलवाता है। यहाँ पर जेनी माइकल को बताती है कि उसका और एमआर का रिलेशनशिप पहले के कुछ महीनों से अच्छा नहीं चल रहा था, बट अब 1 साल से सब कुछ बढ़िया है। तब माइकल को पता चलता है कि उसके प्रमोशन में उसे 2 साल लग गए हैं और वो अपनी ज़िंदगी की 2 साल खो चुका है, और इस समय डोरा और इसके रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे थे। ये सब जानने के बाद माइकल सीधा अपने घर पहुंचता है और वहां अपने फैमिली को देखकर बहुत खुश होता है। अब उसके बच्चे 2 साल बड़े हो चुके हैं और उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता अब गुजर चुका है, और ये सुनकर उसे काफ़ी दुख होता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को गले लगाता है और इस मोमेंट पे वो अपना रिमोट गलती से फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, और इस पर माइकल परेशान हो जाता है और ये सोचता है कि ये हुआ कैसे। इसलिए वो फिर से मोटी को कॉल मिलाता है, पर तभी मोटी अचानक से वहीं पे आ जाता है और उसे डरा देता है। बट माइकल अपने परेशानी के बारे में उसे बताता है, तो मोटी उसे कहता है कि तुमने अपनी लाइफ को 2 साल फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हो, तो उस दौरान तुमने जितने भी पल फास्ट फॉरवर्ड किए होगे, जैसे डोरा के साथ झगड़ा, माता पिता के साथ डिनर, नहाना, तैयार होना, तुम्हारा प्रमोशन, ये सारे पल ऑटो फास्ट फॉरवर्ड मोड में चले गए होंगे, और ये भी इस रिमोट का फीचर है। अब माइकल उस रिमोट को अपने आप से दूर करने के लिए फेंकता है, लेकिन वो रिमोट उसके पास वापस आ जाता है। वो उसे तोड़ने का भी कोशिश करता है, बट वो टूटता नहीं है। अब माइकल भी जान जाता है कि ये रिमोट उससे दूर नहीं होगी। अब अगले दिन जब माइकल सुबह उठता है, तो नहाने और तैयार होने का सीन फास्ट फॉरवर्ड हो जाने के डर से बिना नहाए ही साइकिल को लेकर ऑफिस चला जाता है। वहाँ पर उसका बॉस इस बात का कारण पूछता है, तो माइकल उसे अजीब सा कारण बता देता है, जिसे सुनकर जॉन भी एग्री हो जाता है और वो भी अपने कपड़े उतार देता है। यहाँ पर उसका बॉस उसे कहता है कि वो और जेनी इस भाग दौड़ से दूर मोराको में अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी जगह पर माइकल को बैठाने की बात करता है। और साथ में एमआर उसे ये भी कहता है कि अगर तुम अपना काम अच्छे से किए तो तुम जल्द ही इस कंपनी का CEO बन जाओगे। तभी अचानक से रिमोट का बटन फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। उसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो अपने कंपनी का CEO बन चुका है, पर जैसे ही वो अपने आप को मिरर में देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो बहुत मोटा हो चुका होता है। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है और अपने बेटे केविन से मिलता है, और केविन भी मोटा हो चुका होता है, और वो अपने बेटी से भी मिलता है और वो भी बड़ी हो चुकी होती है। उसके बाद वो डोरा से भी मिलता है। तभी वहाँ पे बिल आता है, जो कि केविन का कोच हुआ करता था। वो आते ही डोरा को किस करता है और माइकल से ये सब देखा नहीं जाता, और वो आपस में झगड़ने लगते हैं। बेसिकली माइकल के मोटे होने की वजह से डोरा दूसरी शादी कर लेती है, और वो टाइम को पॉज कर देता है। तभी मोटी वहाँ आता है और उससे कहता है कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अपनी तरक्की की वजह से अपने फैमिली को टाइम नहीं दिए। तभी माइकल अपने वाइफ के लिए नोट लिखता है, जो उसने डोरा के लिए तब लिखा था जब वो उससे पहली बार मिला था। वो जैसे ही बटन अनपॉज करता है, तभी उसका डॉगी उस पर हमला कर देता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और उसका रिमोट उसे 6 साल आगे फॉरवर्ड कर देता है। जब वो उठता है तो एक हॉस्पिटल में होता है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि तुम्हें 6 साल से कैंसर था और उसी के वजह से तुम इतने मोटे हो गए थे, लेकिन डॉक्टर ने तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया है। उसके बाद माइकल अपनी कंपनी में जाता है और वो उस कंपनी का मालिक होता है। वो अपने बेटे केविन से मिलता है, जो अब पतला हो चुका होता है, और वो अपने ऑफिस में जाता है और केविन उसे बताता है कि दादाजी अब नहीं रहे। इस बात से माइकल बहुत दुखी होता है और वो उनकी ग्रेव पर जाता है और रिमोट को रिवर्स करके अपनी डैड के साथ आखिरी मुलाकात देखता है। वो देखता है कि उसका डैड उसे कुछ मजे करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन माइकल उसे डांट देता है, जिसे देखकर माइकल बहुत दुखी होता है कि मेरे पास मेरे अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं था। वो प्रेजेंट में आ जाता है और मोटी उसे कहता है कि मैं एक मौत का एंजल हूँ और मैं ही तुम्हारे डैड को इस दुनिया से ले गया था, जिसे देखकर माइकल घबरा जाता है और वो फास्ट
फास्ट फॉरवर्ड करके अपने बेटे के वेडिंग में पहुंच जाता है। वो केविन की वाइफ और अपने मॉम को देखता है। उसके बाद वो डोरा से मिलता है जो कि अब बिल की वाइफ होती है। वो लास्ट टाइम माइकल के साथ डांस करती है, लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और सब डर जाते हैं। उसके बाद माइकल एक हॉस्पिटल में होता है और उसके दोनों बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। केविन माइकल से कहता है कि डैड मुझे कुछ काम के लिए फ्लाइट पकड़नी है, और तभी माइकल उसे कहता है कि तुम्हारी कल ही शादी हुई है, तुम्हें अपनी वाइफ को टाइम देना चाहिए, पर वो नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। माइकल उसे रोकने के लिए हॉस्पिटल से निकलता है और वो भागते भागते गिर जाता है। तभी केविन उसे देख लेता है और उसके पास आता है। माइकल उसे रुकने के लिए कहता है और वो मान जाता है। उसके बाद माइकल डोरा को वही नोट देता है और मर जाता है। उसके बाद माइकल जब अपनी आँख खोलता है तो वो उसी शॉप में होता है जहाँ वो यूनिवर्सल रिमोट लेने आया था, और देखता है कि वो उसी बेड पर है जहाँ वो लेट गया था। वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया था। वो अपने गाड़ी से सीधा अपने डैड के पास आता है और उनसे गले लगा लेता है। उसके बाद वो अपने घर आता है और अपनी वाइफ से भी मिलता है और बोलता है कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, और जिसे सुनकर उसकी वाइफ बहुत खुश होती है। उसके बाद माइकल एक नोट के साथ वही रिमोट को देखता है और इस बार वो रिमोट को कचरे में डाल देता है, क्योंकि वो अपने फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ चुका था और उसने सबक सीख लिया होता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें ये सीख दिलाती है कि इंसान को कभी अपनी लाइफ में परेशान नहीं होना चाहिए। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।